आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो आज जिन्ना याद कर रहे हैं, कल ओसामा बिन लादेन को अपने पिता के तौर पर खड़ा कर सकते हैं या इस देश का राष्ट्रपुरुष बता सकते हैं। सर मानी चाहिए जो इस प्रदेश का मुखिया रहा हो, इस प्रदेश इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो रहा हो, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, अपनी मेहनत की कमाई तो थी नहीं, पिताजी की कुर्सी दी हुई कुर्सी पे आ गए, उन्होंने कुछ किया नहीं, वीडियो गेम ट्विटर फेसबुक पर अपना पूरा 5 साल निकाल दिया और प्रदेश को गुंडे और माफियाओं के हवाले कर दिया कि 4 जिला ये माफिया चला रहा है, 4 जिला ये माफिया चला रहा है, और उनके लिए केवल उनका परिवार और उनका गांव सैफई तक सीमित था। आज उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी बराबर भाजपा को निशाने में ले रही, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी है, इसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अभिषेक अखिलेश यादव, उनका बचपना जग जाहिर है, सब कोई जानते हैं। जैसे ही अभी टोटी कहीं दिखा दो तो अखिलेश यादव का नाम आ जाता है। जैसे ही हम लोगों ने बचपन से सुना था थूक के चाटने वाली कहावत, वो चरितार्थ होती है अखिलेश यादव पर। पूरा दुनिया कोरोना से करा रही थी, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों ने वैक्सीन ईजाद किया, उस वैक्सीन का उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया कि भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, और फिर गुलाटी मार करके कहते हैं कि नहीं वैक्सीन लगवाओ। आदरणीय मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया और वैक्सीन लगवा करके इस देश के और तमाम लोगों को, प्रदेश के लोगों को प्रेरित किया और अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर किया। मंत्री जी, लगातार कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है आज ट्वीट किया है, मंत्री या समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि जो है जो छापेमारी हुई है वो गलत जगह टीम चली गई थी, अब जो है सपा के यहाँ भेज दी है, पहले भाजपा वालों के यहाँ पहुँच गई थी पीस जैन के यहाँ। समाजवादी पार्टी, मैंने कहा समाप्त होती पार्टी है, इसके बारे में बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है, मैं अभी टोटी की बात किया, मैंने वैक्सीन की बात करी, जिन्ना ओसामा बिन लादेन, केवल मुस्लिम वोट कैसे मिल जाए, केवल इसके लिए राजनीति करते हैं। मुस्लिम समाज के बच्चों को भी उन लोगों ने ठगने का काम किया, उनका वोट लेने का काम किया, उनके बच्चे पंचर बनाए, उनके बच्चे स्कूटर के मिस्त्री, उनके बच्चे एसी के मिस्त्री बने, केवल इससे आगे न बढ़ा, हमने उनको मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी है, फिर भी वो अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार, 400 पार जरूर कह रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और जगह जगह जो पोस्टर पे उनके लिखा हम आ रहे हैं, वो जनता भूलेगी क्या कि केवल और केवल सरकार बनने का रुझान आया था 2012 में, पूरी दलित बस्ती की बस्ती फूंक दी गई थी, बोनट पे बैठाल करके पुलिस को घुमाया गया था, कानून को हाथ में लेने वाले समाजवादी पार्टी केवल और केवल साजिश करती है, और समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों और एक परिवार की पार्टी है, जिसका नाम समाजवादी पार्टी नहीं परिवारवादी पार्टी है। सर, कमी है, कब होगी, अगर प्रधानमंत्री कब देंगे देश को? राहुल गांधी से पूछिए कि उनको पप्पू क्यों कहा जाता है, पप्पू टीपू ये जितने भी हैं, इनका पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आता, थोड़ी देर बाद पूछेंगे इनसे, इनके बारे में बहुत बोलने की जरूरत नहीं, जनमानस अच्छी तरह से जानते हैं। मंत्री, माननीय नंद गोपाल नंदी जी, व्यापारी एकता, माननीय मंत्री जी मंच पर आ चुके हैं। मैं आगामी जितेंद्र जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजीव गुप्ता जी,
और आनंदपुर कबीले और बनवाड़ी के रहने वाले दोबारा जवानी की माननीय मंत्री जी की विकास योजनाओं का अगर आप लोग जो है जानकारी लेंगे तो बहुत सुभाष अग्रवाल जी के सचिव महावर्ग का एसोसिएशन तभी प्रमाणी